चराग दिल के जलाओ बहुत अंधेरा है, चराग दिल के जलाओ बहुत अंधेरा है, चराग चराग दिल के जलाओ बहुत अंधेरा है, शराब दिल के जलाओ बहुत अंधेरा है। साईनाथ कभी हमारे घर में भी आओ, बहुत अंधेरा है। जीने का सबक सीखा साई के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। आप ये सोचकर आए कि आप ऑडिटोरियम में नहीं बैठे, आप साई के दरबार में बैठे हैं, हाथ ऊपर करें। क्योंकि किसी भी स्कूल या कॉलेज में आपसे ये नहीं पूछा जाता तो कौन से मजहब का है, ये पूछा जाता है हाजिर हो तो कैसे कहते हैं, यस सर। और ये तो टीचरों की टीचर है, अगर यहां पास तो हर जगह, यहां फेल तो हर जगह, तो कौन कौन पास होना चाहता है हाथ ऊपर करेंगे। जीने का सबक सीखा साई के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की, हाथों की लकीरों से। रेडी 1 2 3 4 जय महादेवा, जय गणेश, जय महादेवा, जय गणेश, जय महादेवा, जय गणेश, जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, 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 ओम नमो 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 नमः, नमो नमः।
दुखियन पे कृपा करो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हाथों पर करें। हिंदुस्तान में ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि कोई भजन कव्वाली अंदाज में पेश हो रहा है। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये कर्म की बात है। और साईं बाबा ने एक चीज सिखाई है पूरी दुनिया को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी कौम के हो, या तो किसी का हो जा, या तो किसी का हो जा, या किसी को अपना बना ले। अगर किसी को अपना नहीं बना सकता तो एक काम कर, उसका हो जा। जब तू उसका हो जाएगा, वो खुद ब खुद तेरा हो जाएगा। जो उस बात को मानते हैं, दो तली बजाएंगे। ये अल्फाज नहीं है, ये जिंदगी की सच्चाई है। जो उस बात को मानते हैं, दोनों हाथों पर 1 2 3। बहुत दूर से आया हूं, तड़प रहे हैं इनको छू कर, तू पावन कर दे मुझको भी साई, सदा सुहागन कर दे दुनिया तारे अपना मारे। पांच कह के ना कोई पुकारे, ना हम रह गए ना समाज रहेगा, सदा सुहागन। ये मैंने किसी से सुन के नहीं सीखा, मेरे अंदर से आता है। सदा सुहागन क्या है? जो लोग सदा सुहागन होना चाहते हैं, हाथ उपकर एक मिनट के लिए। सिर्फ लेडीज ने हाथ उपकर किया, मर्द ने नहीं किया। सर, सदा सुहागन सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए भी है। ये लोगों ने एक दिमाग बना रखा है, सदा सुहागन सिर्फ औरत के लिए। अगर नहीं पता, पता होगा, हो सकता है भूल गए हैं। मैं याद दिला काफी फनकार गा रहे हैं, काफी गा रहे हैं, जिनको पता भी नहीं था सदा सुहागन का मतलब क्या है। कहते हैं प्रचार करना अलग बात है, विचार करना अलग बात है। इसलिए मंदिरों में, दरगाहों में सीसीटीवी लग गए। क्या लग गए? सीसीटीवी का फुल फॉर्म बता दूं? जानना चाहते हैं, हाथ उठा करें। चैलेंज है, दुनिया का कोई इंसान नहीं बता सकता, मैं बताता हूं आपको यहां बैठे बैठे। सीसीटीवी फुल फॉर्म, चोरी चकारी। शंकर जी, चोरी चकारी, सीसीटीवी में पता चल जाएगा चोरी कौन कर रहा है और चाकरी कौन कर रहा है। सीसीटीवी, ये माने है सीसीटीवी। इतनी जालिम हो गई है दुनिया, भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, इंसान तो छोड़ गया। इसलिए मंदिरों में, दरगाहों में सीसीटीवी लग गए। सीसी चोरी चकारी टीवी पे नजर आएगी। दोनों हाथों पर, क्या बात है। रेडी 1 2 3। हिंदू और मुसलमान सुन ले, अल्लाह को मानना बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की मानना बड़ी बात है। भगवान को मानना बड़ी बात नहीं है, भगवान की। अगर तू भगवान को नहीं मानेगा, भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान अगर तेरी नहीं मानेगा, तुझे बड़ा फर्क पड़ेगा, आजमा के देख ले।
इतना बड़ा ज्ञानी है देख ले। सदा सुहागन हो मैं तो सदा सुहागन हो गई रे, सदा सुहागन हो गई रे, मैं तो सदा सुहागन तो सदा सुहागन हो गई रे, मैं तो सदा सुहागन हो गई रे, मैं तो सदा सुहागन हो गई रे, मैं तो सदा तो लगा सुहागन हो जाएगी, सदा 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 सुहागन हो गई रे, मैं तो सदा सुहागन हो गई रे, सदा सदा लगा तभी तो सुहागन होगी। ओहो, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलूं, एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। सदा सुहागन का मतलब ये है। एक दिन हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंचे, कहने सीता मैया मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, एक चीज से वंचित रह गया, आप चुटकी भर सिंदूर लगा रही हैं श्री राम के नाम का, ये बताएं ये चुटकी सिंदूर का मतलब क्या है। कहने की मैं तुझे बता दूं, मैं चुटकी पर सिंदूर लगा रही हूं, श्री राम मुझे इतना प्यार करते हैं कि जमीन की गहराई, समंदर की फैलाई, आसमान की ऊंचाई, हवाओं की बुरवाई, ये दुनिया की सच्चाई, ये सारी बातें एक तरफ मेरे राम का प्यार, एक तरफ राम मुझे इतना प्यार करते हैं। कहले सीता मैया आप चुटकी पर सिंदूर लगा रही हैं, श्री राम आपको इतना प्यार करते हैं, तो आपने क्या करा, पूरा सिंदूर अपने बदन पे मल लिया। कहने जब चुटकी से इतना प्यार करते हैं, अगर मैं पूरे बदन पे मल लूंगा राम जी मुझे कितना प्यार करेंगे। ये सदा सुहागन की डेफिनेशन है, और जो इस बात को मानता है दोनों हाथ पे करेंगे रेडी 1 2 3 सदा सुहागन हो गई रे, सदा सुहागन हो गई रे, सदा सुहागन हो गई रे, सदा सुहागन हो गई मैं, 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 सदा सुहागन। गुरु बनाना बहुत आसान है, गुरु बनाना बहुत आसान है, आज के दौर में बहुत आसान है, लेकिन चेला बनना सबसे मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। गुरु की अच्छाइयों से ज्यादा गुरु की बुराइयां लेगा तभी तू समझ पाएगा गुरु को, अच्छाई नहीं उसकी बुराइयां, जो उसने तकलीफें सही है तू भी से, जो उसने गालियां सही है तू भी से, जो लोगों ने उसे बातें कही है वो तू भी से, तब जाके तू सही चेला बनेगा, ऐसे नहीं बन जाता। गौतम बुद्ध जी अपनी गद्दी पे विराजमान, सदा सुहागन का मतलब जान ले। एक उनका मुरीद आया, कहले गुरु जी एक आदमी आपको गाली दे रहा है, कहले देने दे। क्या कहा? देने दे। दोबारा आया, कहले गुरु जी आज वो फिर गाली दे रहा है, कहले के देने दे। फिर तिबारा आया, कहले गुरु जी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, वो बहुत गाली दे रहा है, कहले देने दे, तू बैठ दे। बिठा दिया। आप रोटी खा रहे थे, आपने आधी रोटी तोड़ के हाथ में दी, कहले के मैंने तुझे रोटी दी तूने ली तो तेरी, वो मुझे 3 दिन से गाली दे रहा है, जब मैंने नहीं ली तो कैसे हो गई मेरी, देने दे। आए सदा सुहागन हो गई मैं, सदा सुहागन हो गई मैं, सदा सुहागन हो गई मैं। आज के आखिरी शब्द है वहां पर, उनका उर्स चल रहा है, 4 दिन का मेला। हजरत अमीर खुसरो की भी कहानी सुन लें, हजरत निजामुद्दीन औलिया सुल्तानुल मशायख ने फरमाया कि खुसरो खुसरो मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, अगर हमारे इस्लाम में एक कब्र में 2 दफन करने का रिवाज होता तो मैं कहता खुसरो को मेरे साथ दफन करवाए। अरे अगर अगर महबूब बनना है तो पहले खुसरो बन,
जब तक खुसरो नहीं बनेगा तुझे महबूब भी नहीं मिलेगा। और जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर 1 2 3 सदा सुहागन हो गई मैं, सदा सुहागन हो गई मैं, सदा सुहागन हो गई मैं। वो दुनिया ताने अपना मारे हट पीछे हट, दुनिया ताने अपना मारे, पांच कह के ना कोई पुकारे माजरा चाहूंगा। जो लोग बेटियों को कत्ल करते हैं, बड़ी बातें चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, छोड़िए ये तो बहुत पहले कह दिया, श्री राम के जमाने में हो चुका, नबी करीम के जमाने में हो चुके, आप सब वही बात दोहरा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी तो तभी बचेगी जब पेट में जिंदा रहने दोगे, बेटी तो तब पड़ेगी जब दुनिया में आएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो औरत को बांझ कहते हैं उनसे माफी चाहूंगा मैं। जो औरत को बांझ कहते हैं उनको शायद हिस्ट्री पता नहीं, औरत तो कभी बांझ हो ही नहीं सकती। उस परमात्मा ईश्वर ने ये बता दिया कि औरत कभी बांझ नहीं है, इंसान का दिमाग बांझ होता है, इंसान का दिमाग बांझ होता है, औरत कभी बांझ नहीं होती। क्योंकि ईसा मसीह मां मरियम से पैदा है, उस मालिक ने बताया कि इतना मत उछल, अगर मैं चाहूं तो तेरे बगैर भी दुनिया चला सकता हूं। और जो इस बात को मानते हैं दोनों हाथों पर करें, औरत को बांझ करना सख्त मना है हर धर्म में। जो इस बात को मानते हैं दोनों हाथों पर करेंगे, जो हाथ पर नहीं करेगा उसे अपने भगवान अपने अल्लाह की कसम। 1 2 3 कहके ना कोई पुकारे, बहुत बड़ा ज्ञानी है, कहके ना कोई पुकारे, ना हम रहेंगे ना समाज रहेगा, ना हम रहेंगे ना समाज रहेगा। अरे औरत की बात तो छोड़ दो, एक कौम और है दुनिया में जिन्हें हम दरमियाना कहते हैं, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं। आपको पता है श्री राम की दुआ है किन्नरों को, पता है आपको? जिनको नहीं पता जरा वाह तो करें, नौजवान बच्चों को बता दूं मैं, किन्नरों को भी दुआ है श्री राम की, गरीब नवाज की। जब श्री राम वनवास को गए तो श्री राम ने फरमाया कि जितने नर नारी हैं अपने घर जाएं, हम तो वनवास को चले। चंद्र भाई कुत्ता जी राजेश भाई चले, हम तो वनवास को चले, जितने नर नारी हैं अपने घर जाएं, सब चले गए। जब 14 साल के बाद आप वापिस आए तो आपने क्या देखा? जो किन्नर थे वो खड़े थे, जो किन्नर थे वो खड़े थे। श्री राम ने कहा अरे तुम नहीं गए? केले प्रभु हम कैसे चले जाते? आपने कहा था नरो नारी जाएं, ना हम नर है ना नारी, तो हम कैसे चले जाते? आए आए आए। तो आपने कहा मैं तुम्हें दुआ देता हूं, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जिसको दुआ दोगे वो कभी कटेगी नहीं, लेकिन किसी को बद्दुआ मत देना वरना वो भी कटेगी नहीं। आए आए क्या बात। यही काम ख्वाजा गरीब नवाज ने किया। ख्वाजा साहब के पास मन्नत लेके गए, हिंदू मुसलमान हमारी मन्नत पूरी हो, जिसके औलाद नहीं थी उसको औलाद दी, जिसके पास खाने को नहीं था उसको लंगर बांटने वाला बना दिया। एक किन्नर पहुंचा, उन्होंने कहा ए सरकार क्या हमारे नहीं हो? अंदाज है भाई, हमारे नहीं हो, हमें भी कुछ ऐसा दे जो दुनिया के सामने हम शर्मिंदा ना हो। गरीब नवाज ने दुआ दे दी कि जा तेरे घर भी औलाद होगी। तारागढ़ पे आज भी उस हिजड़े का मजार है, उस बच्चे का भी मजार है। मालिक ने ये बता दिया तू औरत को बांझ कह रहा है, मैं तो एक किन्नर से भी बच्चा पैदा करा सकता हूं अगर चाहूं तो, तेरी औकात क्या है? और जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर 1 2 3
कहके ना कोई पुकारे, ना हम रहेंगे ना समाज रहेगा, ना हम रहेंगे ना समाज रहेगा, अब ना कोई भी बाज रहेगा उसके कर्म से, अब ना कोई भी बाज रहेगा, क्योंकि दुखियन पे कृपा करो हाँ, और करे तेरी सेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, देवा देवा देवा, ओम 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 ओम, दादों दादों दादों, दाना ना देरे ना, धाकर तक धुंकर तक तक लाम, धुंकर तक गिंदा क्लां, तति तक किता था, दादा दादा कर तक धुंकर तक तक लाम, धुंकर तक गिंदा क्लां, ता धिन धिन्ना, तरगड़ तू ना कत्ता, धातरगड़ धिनक धिन धिन्ना, तरगड़ तू ना कत्ता, धातरगड़ धिनक धिन धिन्ना, धाकर तक धुंकर तक तक लाम, धुंकर तक गिंदा क्लां, ता तित तक किता था, दादा दादा तिता किता था, दादा दादा तिता किता था, दादा दादा, ओम 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 ओम, ओम नमो 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 नमो, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ गाएं, कौन का मेरे साथ गाएगा प्लीज बताएगा, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भाग बनाता है महादेव कहलाता है, जब तुझ में आया दम तू कहलाया आदम, जब तुझ में आया दम तू कहलाया आदम, ममता की छाया दे तो माँ हव्वा कहलाती है, माँ हव्वा कहलाती है, माँ हव्वा कहलाती है, माँ हव्वा कहलाती है, जो पार करे नैया पार्वती मैया, जो भागी बनाता है महादेव कहलाता है, ये मेरी क्रिएशन है, मेरी जिद्दत है, अगर अच्छा लगा थोड़ी ताली बजा दे, क्योंकि आप किसी का कलाम चुरा सकते हो, किसी की रूह नहीं चुरा सकते, किसी का कलाम चुरा सकते हो रूह नहीं चुरा सकते, क्योंकि रूह तो उसने भेजी है, और जो यहां पर बैठा है मैं आपके लिए एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी लोग यहां बैठे हैं जो औरत को बेकार समझते हैं, जाहिल लोग जो औरत को कहते हैं बेटी नस्ल नहीं चलाती, उनको शायद इस बात की तमीज नहीं है, उनको मैं बता दूं कि बेटा तो सिर्फ एक नस्ल बढ़ाता है, बेटा तो सिर्फ तेरे घर की नस्ल बढ़ाता है, बेटी तो इतनी भगवान है जिसके घर जाती है उसकी नस्ल बढ़ाती है, जिसके घर जाती है उसकी नस्ल बढ़ाती है, इसलिए माँ का रुतबा दिया गया है, और दुनिया में एक माँ ही ऐसी है, बच्चा चाहे कैसा भी हो माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, और अगर वो देती है तो लगती नहीं, क्योंकि वो कभी दिल से बतुआ नहीं देती, जो इस बात को मानता है दोनों हाथों पर रेडी, वन टू थ्री, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो भागी बनाता है महादेव कहलाता है, माँ बाप के दिल को जो ईश्वर दुखाता है, दुनिया में मजे कर ले महादोषक में जाता है, महादोषक सूफी का मतलब होता है सबको लेके चलने वाला,
जो सिर्फ एक मजहब को लेकर चलता है वो सूफी नहीं हो सकता, क्योंकि फकीर कभी ये सोच के भीख नहीं मांगता कि ये हिंदू का घर है या मुसलमान का, वो तो ये देखता है कि इसके देने का ढंग कैसा है। आए आए। जितने लोग यहां बैठे हैं हाथ उठा करेंगे, वाहे गुरु कर बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु कर बंदिया, रब दे कहर तू डर बंदिया, रब दे कहर तू डर बंदिया, धन दौलत दा मान न करिए, धन दौलत दा मान न करिए, एक दिन जाना पर बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु कर बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु कर बंदिया, वाहे गुरु वाहे गुरु कर बंदिया, हाँ धन दौलत दा मान करिए, धन दौलत दा मान न करिए, धन दौलत दा मान न करिए, एक दिन जाना पर बंदिया, एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, हाँ राधा ने राधा ने मधुबन में एक सूरत लुभानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक प्रेम लुभानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम लुभानी एक तरस दीवानी, दोनों दुआ करेंगे, अल्लाह 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 हक भी किसी पर आया जब न था, हक भी किसी पर आया जब न था, और जब न था कुछ यहाँ, था कुछ यहाँ, हो जब न था कुछ यहाँ, था वक्त तू ही तू, ooh, ooh.
थोड़ा सा आपको सेमी क्लासिकल जो मैंने क्या सिखाया है मैं खुद अभी सीख रहा हूं। कहते हैं इंसान की उम्र खत्म हो जाती है, तालीम कभी खत्म नहीं होती। लोग समझते हैं कि हम उस्ताद बन गए तो हमने सब सीख लिया। उस्ताद बनने के बाद भी हमें शागिर्दों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ना जाने कौन ऐसा शागिर्द आ जाए जो हमें सिखा के चला जाए। संपूर्ण कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि अगर तानपुरे का तार भी अगर चढ़ जाता है तो टूट जाता है। तानपुरा एक सुध भी चढ़ जाए तो तार टूट जाता है, और तबला अगर एक सुध भी बढ़ जाए तो बिखर जाता है। आए तो कोई संपूर्ण नहीं है, सिर्फ एक उसकी जात है जो बेदाग है, वरना दुनिया की हर चीज में दाग है। आए हाय। तो मैं चाहूंगा मेरे साहबजादे को सुनना, थोड़ी ताली बजा दें समीर भाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए। थोड़ा शार्प कर दें, शार्प रिवर्ब डिले। चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है, माँ के चरणों में जन्नत है, तो बाप उसका दरवाजा है, बाप उसका दरवाजा है, जन्नत तुझको यही मिलेगी ये मेरा अंदाजा है। और पिता महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। कोयला फूल की माला, कोयला सिल्क दुशाला, मैं निर्धन हूँ, मैं काला हूँ, मैं तो सब कुछ क्योंकि कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया मेरा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा।